हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ई श्रम के बारे में। अगर आपने ई श्रम बनाया है और अभी तक अगर आपको एक भी पैसा ई श्रम से नहीं मिला है, तो आप किस कारण से आपको नहीं मिला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चार गलती के कारण आपको ई श्रम से पैसा नहीं मिला, उस चार गलती को आपको 30 जनवरी तक आपको ठीक कर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि वो चार गलती क्या है और क्या हमें उसे किस तरह से सुधार कर लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना जरूर देखें और नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि वो चार गलती क्या है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रतिमाह 500 रुपया देने की घोषणा के बाद राज्य के अंतर्गत श्रम कार्ड धारकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी श्रमिक पात्र मजदूर का रजिस्ट्रेशन 7.5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। श्रमिकों के खाते में सरकार की तरफ से उनको 1000 का किस्त ट्रांसफर किया जा चुका है, परंतु बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिनको उन्हें अभी तक उनको 1000 रुपया का जो किस्त है वो उन तक अभी तक नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या हुआ है कि बहुत सारे भाइयों का क्या हुआ है कि ई श्रम कार्ड बना चुके हैं और उनका जो खाता है अभी तक उनका खाता जो बैंक अकाउंट है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा तभी जाके आपको ई श्रम का पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने एक ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड है आधार कार्ड को आपका बैंक खाते से लिंक करवाना पड़ेगा, वेरीफाई आपका बैंक खाता को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी आपको जो है 1000 रुपया करके या 2000 या 500 करके आपको पैसा मिलेगा। और फ्रेंड्स, दूसरा जो है वह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको अपना बैंक खाते से लिंक करवाना पड़ेगा। आप अगर अपना बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाते हैं तभी जाके आपका जो पैसा आएगा। अगर आपको कोई ई श्रम से पैसा आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट में पैसा आया ई श्रम की मदद से, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तो जल्दी से जाके आप अपना ये काम कर लीजिए, बैंक आपका नज़दीकी बैंक में जाइए और वहाँ जाके आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप वहाँ पे ऐड करवाइए, आप अपना मोबाइल नंबर का लिंक करवाइए, तभी जाके आपका जो है पैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, तीसरा अगर आप एक किसान है और आपको किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको अगर 6000 रुपया मिल रहा है तो आपको ई श्रम से पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप किसान सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो वहाँ पे आपको नाम कटवाना होगा तभी आपको ई श्रम के तरफ से पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ई श्रम से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन से नाम कटवा लीजिए, इसके बाद ही आप यहाँ पे ई श्रम से जो आपको 2000 रुपया 1000 रुपया मिल रहा है वो तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और फ्रेंड, चौथा जो गलती है वो है ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे भी वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हम क्या किए हैं, हम सब क्या किए हैं कि भीड़ में रहते हैं तभी उतना हमें पता नहीं था कि हमें क्या क्या लगता है नहीं लगता है। हम बैंक का पासबुक का जेरक्स ले गए, आधार का जेरक्स ले गए, मोबाइल नंबर ले गए, बस दे दिए, वो लोग भी बना दिया। वो जो कर्मी हमें ये सब बना के देते हैं वो भी हमें नहीं बोलते हैं कि आपको जो ब्लड ग्रुप का मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो भी लगेगा, तो वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये आपको आप एक मजदूर है, मजदूर कहाँ कब क्या हो जाता है, कब किस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है वो पता नहीं चलता है, मतलब बोल नहीं सकते हैं। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप उसमें रहेगा, आपका कार्ड आपके साथ ही रहेगा, तो आपको जो ब्लड ग्रुप है क्या है नहीं है आपका जांच कर, आपका ब्लड सैंपल लेगा वो जांच करेगा कौन सा ग्रुप है नहीं है, तब तक तो आपको बहुत देरी हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ रेडी रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसका ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आपको तुरंत आपको उस मतलब ब्लड मिल जाएगा। तो इसी कारण से वो भी आपको सुधार कर लेना चाहिए, वो सुधार कर लेने से और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको तुरंत इजी में इमरजेंसी में काम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें, चार गलती आपको सुधार कर लेना पड़ेगा, 30 तारीख के पहले ही आपको कर लेना पड़ेगा, तभी आपको जो है जो ई श्रम से जो पैसा आपको मिलेगा 500 रुपया 1000 रुपया जो मिल रहा है आपको, अगर पहला पेमेंट आपको अगर नहीं मिला है, पहले बार जो आप सरकार ने भेजा है वो अगर आपको नहीं मिला है तो नेक्स्ट बार में आप एक साथ में 2000 भी आपको मिल सकता है। तो आप जल्दी से ये सारे चीज़ आप अपना सुधार लीजिए तभी आपको ई श्रम से पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो जल्दी से आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।